Hi guys, this is Abhishek Kumar and welcome to my YouTube channel. तो guys, आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है क्योंकि आज मैं अपनी फ्रेंड तंशिका को वैलेंटाइंस के लिए पूछने वाला हूँ, तो देखते हैं उसके क्या रिएक्शंस आते हैं। और guys, मैंने अभी iPhone 12 बाय किया, ये बहुत ही महंगा था और मैंने इसके पैसे कहाँ से कमाए? मैंने इसके पैसे कमाए हैं बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बिनोमो से। तो guys, बिनोमो बहुत ही एक ऑथराइज और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पैसा कमाना बहुत ही ईजी है। तो मैं आपको बताता हूँ पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो guys, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बिनोमो ऐप ओपन कर लिया है और मेरे रियल अकाउंट में 34,000 रुपीज़ हैं। अब आपको क्या करना है, एसेट सिलेक्ट करना है जो कि मैंने पहले किया हुआ है। अब आपको देखना है कि आप कितने रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहोगे। जैसे मैं 7,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहूँगा। अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। गाइस, लेट मी थिंक, ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके हिसाब से आपको प्रेडिक्ट करना है। तो आई थिंक ये ग्राफ ऊपर जाएगा। अब आपको 30 सेकेंड्स की वेट करनी है रिजल्ट के लिए। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 10,290 रुपए कमा लिए हैं। तो गाइस, कमाए हुए पैसों को आराम से विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर आपने कैश डिपॉजिट भी करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो गाइस, आप किस चीज की वेट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके बिनोमो ऐप डाउनलोड करो। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको $1,000 मिलते हैं आपके डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस के लिए। तो गाइस, जल्दी से जाओ। चीयर्स। हाय 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 हाय। हेलो, I'm sorry यार, मैं थोड़ा सा वो ट्रैफिक में फंस गया था तो थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा और... नहीं ज़्यादा। ज़्यादा? अच्छा, मेरी वेट कर रहे थे आप? बहुत देर से। मिस भी कर रहे थे? नहीं। मिस तो कर लिया करो यार, मैं तो दिन रात आपके सपने देखता रहता हूँ, आप मेरे को मिस भी नहीं करते? कर रही थी थोड़ा 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 कर रहे थे। आपने, ये गर्मी लग रही है क्या आपको? धूप है ना बहुत ज़्यादा। मुझे लगा मैं पास में आके बैठने वाला हूँ इसलिए आपको गर्मी लगने लग गई। मुझे पहले से लग रही थी, आपके आने से नहीं। अच्छा अच्छा, वैसे आप मतलब ज़्यादा सुंदर क्यों होते जा रहे हो? मतलब एक तो होता है कि बंदा थोड़ा सा सुंदर होता है, आप मतलब क्या था वो, लड़कियों की विराट कोहली क्यों बनते जा रहे हो? अच्छा, तो मैंने आपको यहाँ पे पता क्यों बुलाया? प्रैंक करने। तो आप हमेशा यही करते हो, आज फिर ऐसा ही कुछ? नहीं, पर हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो गया, हम मैसेजेस पे भी बातें करते रहते हैं हमारा, है ना, लोगों को लगता है हम रिलेशनशिप में भी ऐसा लोगों को फील होता है, पता नहीं क्यों होता है, पर मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ना वो फील होने लग गया था आपके लिए कि यार लड़की तो बहुत प्यारी है, मैं भी बहुत ज़्यादा प्यारा हूँ, तो हमारे बच्चे कितने प्यारे होंगे सोचो। नहीं, कहाँ तक पहुँच जाते हो आप? यार जब प्यार होता है ना फिर बंदा कहीं पर भी पहुँच जाता है, आपको क्या पता। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम मतलब फेब आ रहा है और फेब वैलेंटाइंस वीक के लिए बहुत अच्छा बच्चे होता है, मनाते हैं वैलेंटाइंस। तो हम, मैं तो बच्चा हूँ, अगर आप बूढ़े हो गए हो तो अलग बात है। बूढ़े हो गए हो, पता है मैं आपके बुढ़ापे का सहारा भी बनना चाहता हूँ। क्या आपके बाल आगे आ रहे हैं? रुको, मैं आपके सेट कर देता हूँ। मैंने कर लिया। अच्छा, कर लिया आपने? मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हूँ, पता है आपके जैसे यहाँ पे कुछ लगा हुआ है दो मिनट नहीं उतरा। मतलब मेरे को छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद हैं अगर मैं केयरिंग पे आऊँ, और मैं रिलेशनशिप के टाइप पे तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का हूँ। रिलेशनशिप में थोड़ी है। तो हम मतलब वैलेंटाइंस वीक आ रहा है और 14 फेब को आप भी सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ। आपको किसने बोला मैं सिंगल हूँ? कमिटेड हो आप? इतनी बार तो बता। अरे वो 5-6 बॉयफ्रेंड्स तो बेकार बेकार हैं, असली वाला तो ये आपके साथ ही बैठा है। तो नहीं, मैंने आपको पहले बहुत बार बताया मेरा क्या। अच्छा, आपको आपको पता है मैंने ये पिंक कलर क्यों पहना? आपके नेल्स पिंक है ना, तो मैं कहीं ना कहीं से अपने कपड़े मैच करना चाहता था। तो आपको पता भी नहीं था कि मैंने पिंक लगाया? मुझे आपके बारे में 8-Z पता है और 1-100 भी पता है। तो आपकी आंखें, सेम डायलॉग, पर मैं चाहता हूँ अगर आप रियल बन के आओ तो ज़्यादा बेटर है। लेंस ना लगाया करो, नहीं तो मैं खो जाता हूँ इन आँखों में। इस बार तभी मैं शेड्स लगा के आया हूँ कि मैं ज़्यादा, मेरा फोकस ना हिल जाए, मैं मेन फोकस इसी पे रखूं कि आपको ना मेरा वैलेंटाइन
डे क्या होता तो मेरा तो विल यू बी माय वैलेंटाइन प्लीज मेरा वैलेंटाइन ऑलरेडी है यार ऐसे मत बोलो यार देखो मतलब आपको फिर आप हर बार मुझसे ऐसे पूछते रहते हो यार मुझे पता आपका बॉयफ्रेंड है वो मतलब ऐसे वैसे वाले ही होते हैं मेन तो मैं ही हूं मतलब रात रात डेढ़ डेढ़ बजे तक तो मेरे से ही बातें करते हो आप मेरा समझ के किसी और से बातें कर रहे हो तो आपका इतना ध्यान ये तो आपने अभी सोच के आपने कुछ सोच के मेरे को बोला आपको पता आप मेरे से ही बातें करते हो और हमारी बातें प्यारे एक बार हंस के तो दिखा दो आप प्यारा सा हंस के दिखा दो एक बार ऐसे थोड़ी हंसी आती है कैसी हंसी आती है फिर मेरी तरफ देख लो क्या पता मेरी शक्ल देख के आपको हंसी आ जाए ये आपके ये यहाँ पे क्या हुआ हुआ है टीथ पे वही जो सेम आपके टीथ पे अच्छा अच्छा आपको मतलब आप वीडियो कॉल पे इतना सारा मेरे को नोटिस कर लेते हो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी वीडियो कॉल कितनी होती है आप मेरे को जूम कर करके देखते हो छी यार मैंने आज तक आपको जूम करके नहीं देखा पता आपको मैं आपके दांतों को देखती हूं जूम करके आप हर फोटो में से स्माइल करके डालते हो तो मेरी स्माइल पसंद आती है यार लोगों को तो मैं इसलिए हंस देता हूं जैसे आपकी ध्यान से ये देखा जैसे, नहीं ना जैसे आपकी आंखें पसंद आती है ना लोगों को पर वो तो मेरी असली नहीं है ना आपके तो दांत पे वो असली में है तभी आती है यार जो भी है पर हम दोनों साथ में अच्छे तो लगते हैं यार लोगों ने ऐसे हमारे फैन पेजेस थोड़ी बना ली हैं एक बना था ना पता नहीं वो किसने बनाया था तो हम मतलब देखो किस डे होता है हग डे होता है वो तो हम छोड़ देते हैं और वो रोज डे होता है टैडी डे होता है वो हम पकड़ लेते हैं और जो मेन डे होता है ना बच्चे मनाते हैं चलो छोड़ो जो मेन तो याद भी नहीं होता कभी जो मेन होता है ना वैलेंटाइन डे वो मनाते हैं और उसके बाद जो किक डे होता है ना स्लैप डे होता है वो छोड़ देते वो हैं नहीं नहीं वो छोड़ देते हैं जो आपका भाई है चलो भाइयों के साथ तो मना लेना भाइयों के साथ भी मतलब बंदा ऐसे सेलिब्रेट कर लेता पर जो मेन बंदा है जैसे मैं हूँ देखो मैंने पूरी मैचिंग भी करी हुई है आपके साथ नेल्स के साथ तो फिर हम वैलेंटाइंस के लिए वो कर सकते हैं मतलब एज अ फ्रेंड भी हाँ वही जो भी है वो तो जब आप मेरे को 14 फरवरी को मिलोगे तो कितना सरप्राइज देने वाला हूँ मैं आपको आपको क्या ही पता तो अब देगा ना कोई चले फिर मतलब अभी तो घूमने चलते हैं उसके बाद फिर हम 14 फरवरी को भी घूम लेंगे अभी थोड़ा कुछ खा लेते हैं भूख लगी है आओ यार प्लीज जल्दी ठंडी लग रही है आपको अब लगी अब गर्मी लग रही होगी पागल